इंदौर में मधुरम सैंडविच दुकान संचालक पर सिलावटपुरा में बदमाशों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। वह पत्नी के साथ माता पूजन के कार्यक्रम में भाग लेने आया था। पुलिस ने 7 लोगों पर मारपीट बलवे का नामजद केस दर्ज किया है। दुकान संचालक का आरोपितों से पुराना विवाद बताया जा रहा है। घायल संचालक को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। घटना इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के सिलावटपुरा की है। यहां मधुरम सैंडविच के संचालक वैभव अपने परिवार के साथ दोस्त के यहां माता पूजन कार्यक्रम में आए थे। इसी दौरान बाइक पर 8 से 10 लोग आए और अचानक जानलेवा हमला कर दिया। मान और पत्नी ने वैभव को बचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। घटना ये हुआ, मेरे बच्चे के दोस्त की शादी थी, माता पूजन था, सेवाले हॉस्पिटल के पास में कंगन की दुकान छोड़ी गई जी। तो वहाँ पे बच्चे, बहू और मेरी मिसेस आई थी। तो वो वहाँ सामने ही जो है सिलावटपुरा महालक्ष्मी मंदिर होता है, वो शीतला माता मंदिर का थानक होता है जो पूजा करते हैं, तो वहाँ पूजा कर रहे थे। तो उस समय बच्चा 4 महीने की बच्ची को लेके और इधर जो राम मंदिर है, हनुमान मंदिर, यहाँ पे खड़ा था और एक दो इस टाइप से। और ये लोग नेरेटिव करे कि ये आया हुआ बच्चा मेरा, उधर से आए सब जने बाइक पे 8-10 जने, क्योंकि चूँकि पूजा में 10 से 20 मिनट लगते हैं, इतनी देर में ये आए पीछे से बाइक पे और उसका चश्मा भी गिरा गया और उसकी चेन थी 6 तोले की जो अभी लेटेस्ट दी थी, वो बहू का रानी हार और अंगूठी और ये सब छीना छपटी करी इन लोगों ने। ये लोग ये यहीं थाने के समीप ही में बुरा गंजर करके हैं, अपने यहाँ बियाबानी गंजर मोहल्ले के अंदर उसी के लड़के हैं। बोले ही विवाद हुआ था और वही लोग थे, सबके नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई है अभी इस टाइप से। हम शादी में आए थे, शादी में हम माता पूजन सिलावटपुरा आए, हाँ, उस वैभव का फ्रेंड है जिसको मारा, उसका फ्रेंड है, उसकी शादी थी, तो हम माता पूजन में आए, माता पूजन हो रहा था, वैभव भी छाँव में, हम सब खड़े थे साथ में उधर, वो आगे मंदिर है सामने, वहीं पर वहाँ खड़ा था, वहाँ अचानक 8-10 लड़के आए, उनने मारना शुरू कर दिया। उस दौरान मेरी बहू ने देखा, उसने बोला मम्मी मार रहे हैं इनको, हम दोनों भागे, मेरे हाथ में बेटी थी मेरी, पोती 4 महीने की, उसको हमने किसी को भी दिया और हम भागे बचाने के लिए, तो बहू बचाने लगी, उसके ऊपर गिर गई बहू बचाने के लिए, उसको भी उठा के फेंक दिया उसने। उसके बाद उसका हार छीन लिया, साड़ी खोल दी उसकी, उसके हाथ पे लगी, चाकू था उसके हाथ में और डंडा था, डंडे की उसको भी मारी और फिर मैं बचाने गई, मुझे भी मारा उसने। हाँ, बियाबानी के पुराना विवाद है, पहले एक बार ये हमारी दुकान पर आए थे, अब ये नाम तो मैं पूरे नहीं, दुकान पर आए थे ये रात को, दुकान मंगल कर रहे थे हम और अचानक आए ये, गाली गलौज करी इनने, इनका केस चल रहा है इनके ऊपर, गाली गलौज करी मारने लगे ये, तब भी इनने यही झगड़ा करा था, ये वही झगड़ा, वही रंजिश है, अंजू गिरोठिया। और सर इतना मारा है, इतना मारा है कि बता नहीं सकती हूँ, वो बेहोश हो गया वहाँ पर, उसके बाद भी वो मारे जा रहे डंडे से, कोई भी बचाने नहीं आया। इसमें बताना चाहूँगा, ये फरियादिया अमीशा पति वैभव गिरोठिया, ये अभी थाने उपस्थित हुई थी, इनका इन्होंने ये बताया कि आज 1:30 बजे के लगभग ये अपने पति वैभव कर सास के साथ में, वैभव के मित्र के घर में किसी कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे, यहाँ अपने सिलावटपुरा शीतला माता मंदिर के पास में माता पूजन में, वहाँ पे अरविंद उठकर, रुपेंद्र उठकर और इनके अन्य जो साथी थे, कुल ही 6 लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, 6-7 लोगों के, ये लोग वहाँ पे आए और इनके साथ में, इनके पति के साथ में इन्होंने मारपीट की, लाठी डंडों से मारपीट की। उक्त संबंध में इन्होंने ये भी बताया कि इनका पुराना विवाद भी इन लोगों से चल रहा है, जिसमें पहले अरविंद उठकर, रुपेंद्र उठकर परिवार ने इनके विरुद्ध एक FIR मलारगंज थाने में करवाई थी, तो उसकी पुरानी इनकी रंजिश थी और आज इन्होंने मौका पाकर ऑल ऑफ सडन इनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि वैभव घायल होकर हॉस्पिटलाइज है अभी, और अमीशा पति वैभव गिरोठिया इनकी रिपोर्ट पर से थाना छत्रीपुरा पर विधिवत धाराओं में अपराध पंजीकृत है। इसमें प्रथम दृष्टया पाए जाने पर मामला धारा 294, 308, 354, 506, 34 वादवी का दर्ज किया गया है। इसमें फरियादिया द्वारा ये भी बताया गया कि जब वो अपने पति को बचा रही थी तो उनके साथ में उनको इन्हें अप्रोप्रिएट रूप से टच भी किया था उन्होंने, तो धारा 354 इसमें।